या डेस्क नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान रहती है, वहां पे नॉट सुटेबल है ये। यूजी ऑफ देयर डिटेक्टर्स आर वन वे टू फेस आउट ड्यू टू रेडिएशन प्रॉब्लम। ये भी है रेडिएशन के कारण करीब करीब ये फेस आउट भी हो गया, बहुत सी कंट्री ने बंद कर दिया। इंडिया में भी अभी जो है ऑटो इलेक्ट्रिकल वाले ही ज्यादा लगाए जा रहे हैं, आयनाइजेशन नहीं लगाए जा रहे हैं क्योंकि रेडिएशन प्रॉब्लम इसके अंदर रहती है। हालांकि इतनी ज्यादा तो नहीं है पर फिर भी फेस आउट किया जा रहा है। ऑप्टिकल कहाँ लगाना है? ऑप्टिकल स्मोक डिटेक्टर जनरल पर्पज कहाँ पे लगाना? जनरल पर्पज है स्मोक डिटेक्टर बेटर फॉर स्मोल्डिंग फायर, जहाँ स्मोल्डिंग लगने वाली फायरें हैं वहां पर है, जनरल में है ये ऑप्टिकल जो है लाइट स्टेटिंग लाइट वाले जो अपने हैं फोटो इलेक्ट्रिकल जो है। कहाँ डीमेट कहाँ है? एरिया सब्जेक्ट टू स्मोक स्टीम डस्ट, जहां पे ये नॉर्मल यूज में रहते हैं वहां पे ये नहीं लगना है। जैसे कि हमारा किचन एरिया रहता है, कैफेटेरिया रहता है, उसके अंदर नॉर्मली ये नहीं लगाए जाते क्योंकि वहां के अंदर तुम्हारा कुछ ना कुछ जलता रहता है तो उसके अंदर स्मोक निकलता रहता है, फाल फराम देता रहेगा वो। या कहीं तुम्हारा डीजी सेट वगैरह लगे हुए उनका डस्ट उनका स्मोक आ रहा है या कुछ ऐसी चीजें जहाँ स्मोक जनरेशन नॉर्मल में हो जाता है तो वहां पे ये ज्यादा फाल फराम देते हैं, इसलिए वहां पे ज्यादा स्टेबल नहीं रहते हैं। ऑप्टिकल में भी लाइट स्क्रेटिंग कहाँ पे लगाना है? लाइट ऑब्स्क्रेशन टाइप कहाँ पे लगाना है? लाइट स्क्रेटिंग टाइप लगाना है सेंसिटिव टू लाइट कलर्ड स्मोक, जहाँ हल्के रंग का स्मोक आता है वहां लाइट स्क्रेटिंग टाइप लगाया जाता है। लेस सेंसिटिव टू वेरी डार्क स्मोक, जो डार्क स्मोक रहता है वहां पे सुटेबल लाइट स्क्रेटिंग टाइप नहीं रहता है। ये विच एप जो लाइट रेदर देन स्केटिंग, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है उसको स्केटिंग या उसको उधर को ट्रांसफर नहीं कर पाता है, इसलिए जहाँ लाइट स्मोक रहता है वहां पे ज्यादा है, जहाँ डेंस स्मोक रहेगा वो उसको लाइट को एब्जॉर्ब कर जाता है, उसको आगे जाने नहीं देता या उसको ट्रांसफर नहीं करता है, इसलिए वहां पे ज्यादा सेंसिटिव नहीं रहता है। लाइट ऑब्सक्रेशन टाइप कहाँ लगाना है? सेंसिटिव टू वेरी डार्क स्मोक, जहाँ वेरी डार्क स्मोक है वहां लाइट ऑब्सक्रेशन टाइप लगेगा, वो ज्यादा लाइट को एब्जोर्व कर देगा, ज्यादा उसको स्केटिंग कम करेगा, मतलब ट्रांसफर कम करेगा। एरिया सब्जेक्ट टू स्मोक स्टीम, जहां भी ये डस्ट वेस्ट रहेगी वहां पे तो कोई सा भी स्मोक डिटेक्टर नहीं लगाना चाहिए, वो तो डिमेट है ही है इसकी। फोटो थर्मल मल्टी क्राइटेरिया डिटेक्टर जिसके अंदर दोनों रहते हैं, जनरल पर्पज डिटेक्टर गुड फॉर स्मोल्डिंग फायर एंड फास्ट फ्लेमिंग फायर, ऑप्टिकल डेंस फायर जो है और स्मोक है उनके लिए बेस्ट है। एरिया सब्जेक्ट टू स्मोक स्टीम डस्ट डेट ड्यूरिंग नॉर्मल यूज, वहां पे स्मोक नहीं लगता है। लेस सेंसिटिव टू स्मॉल पार्टिकल फाउंड इन क्लीन बर्निंग फायर, जो यहाँ आयनाइजेशन लगाया जाता है वहां पे लगाओगे तो वहां भी काम नहीं करेगा। लास्ट में आता है तुम्हारा ऑप्टिकल बीम स्मोक डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर कहाँ लगता है? लार्ज एंड हाई रूम्स, जहां बड़ा हो और ऊंचा रूम हो, जैसा सिनेमा हॉल्स हो गया, इस टाइप के जो चीजें होगी वहां पे लगाया जाता है। ओपन प्लान स्पेसेस विद रिलेटिवली हाई सीलिंग, फॉर एग्जांपल वेयर हाउसेस, फायर नॉट इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन ऑफ स्मोक, जहां पे स्मोक का विद बिल्ट इन थर्मल टर्बुलेंस डिटेक्शन, ये दोनों में आता है, स्मोक के साथ में या आईआर रेडिएशन निकलता है उसको भी सेंस करता है। सूटेड फॉर एप्लीकेशन वेयर एंटीसिपेटेड फायर वुड प्रोड्यूस ब्लैक स्मोक, जहां काला धुआं निकलता है वहां पे ज्यादा सूटेड है। सेंसिटिविटी टू एक्युमुलेटिव ऑब्सक्रेशन प्रेजेंसेस बाय द स्मोक फील्ड, तो ये जितने भी है यहाँ पे लगाया जाता है। एरिया सब्जेक्ट टू स्मोक स्टीम नॉर्मल यूज में रहते हैं वहां पे नहीं लगाया जाएगा। और लेस सेंसिटिव टू कलर ऑफ स्मोक, कैन नॉट डिटेक्ट क्लीन कलर लेस स्मोक, ये इसके ड्रॉबैक है, यहाँ पे डिमेरिट्स है, यहाँ पे नहीं लगाया जाएगा। एस्पिरेशन टाइप या एयर सैंपलिंग टाइप जो डिटेक्टर होता है, सुटेबल फॉर यूज वेयर यूज अदर टाइप ऑफ स्मोक डिटेक्टर प्रेजेंट डिफिकल्टी, अगर दूसरे डिटेक्टर जो हम लगा नॉर्मल वाले हैं अगर वहां कोई डिफिकल्टी हो रही है वहां पे सुटेबल है। Such as ashless height of the height and temperature of the or not suitable ka air as sampling detectors are not suitable in the air
मूवमेंट ड्यू टू एचवीएसी रिक्वायरमेंट्स इज आउटसाइड द रेंज स्पेसिफाइड मैन्युफैक्चरर्स, मतलब जहां पे आप सैंपल ले सकते हैं वहां पे है, जहां पे नहीं ले सकते वहां पे नॉट सुटेबल है। सर सत्येंद्र कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए हैंड रेज किए, सत्येंद्र जी पूछिए जी अभी। जी पूछिए। सिनेमा हॉल में जैसे बीम डिटेक्टर के बारे में बता रहे हैं, जहाँ इसको छोड़ के उस पे क्या कौन सा डिटेक्टर लगा सकते हैं? सिनेमा हॉल जहाँ हाइट लगभग 10 मीटर है इस जगह तो पे। बीम ही लगता है वहां पे, सिनेमा हॉल में बीम डिटेक्टर ही लगता है। डिटेक्टर को छोड़ के भी कोई और डिटेक्टर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते वहां पे सिनेमा हॉल में, खास करके जहाँ वो लिमिटेड दे दिया ना, अगर अगर आपका 7 मीटर तक जा रही है हाइट तो आप लगा सकते हैं स्मोक वाले जो स्पेशल क्राइटेरिया दिया पहले वाला। अगर 7 से 10 तक जा रही है तो उसमें क्राइटेरिया कम करके दे दिया, 7.5 से हटा के 5 मीटर दे दिया। 10 मीटर तक चल सकते हैं स्मोक डिटेक्टर आपके। अगर 10 से ऊपर हाइट जा रही है तो वहां स्मोक डिटेक्टर अलाउड नहीं है एज पर 2189। 10 मीटर से ऊपर जा रही है तो वहां पे तुम्हारे बीम डिटेक्टर ही लगेंगे। हीट डिटेक्टर की मैक्सिमम हाइट 7 मीटर है और इसकी 10 मीटर है। अगर 10 से ऊपर की कोई आपकी बिल्डिंग आ रही है जिसका छत का रूफ लेवल जो 10 मीटर से ऊपर जा रहा है तो वहां पे आपके यही लगेंगे। क्लियर? अच्छा अब नीचे आते हैं हीट डिटेक्टर पे। जनरल हीट डिटेक्टर कहाँ पे लगाना चाहिए, रेट ऑफ राइज कहाँ लगाना चाहिए, फिक्स कहाँ लगाना चाहिए? तो हीट डिटेक्टर जो है जनरल में जहाँ क्लीन बर्निंग फायर हो, सच आई दोज इन्वॉल्विंग सर्टेन फ्लेमेबल लिक्विड्स, एरिया सब्जेक्ट टू स्मोक स्टेम डस्ट और डस्ट ड्यूरिंग नॉर्मल यूज, जहाँ पे ये नॉर्मल में आपका स्टीम स्मोक डस्ट रहता है या ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन में रहते हैं वहां पे हीट डिटेक्टर लगा दीजिए। स्मोक में दिक्कत आती थी, यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। क्लीन बर्निंग फायर होनी चाहिए, टेम्परेचर तेजी से बढ़ना चाहिए। सुटेबल फॉर द रूम वेयर हीट प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट लाइक किचन पेंट्री बॉयलर डीजी सेट एटीसी इंस्टॉल यूज, जो हीट प्रोड्यूसिंग आपके एरिया है वहां पे इसको इजीली आप लगा सकते हैं, जिसमें आपकी किचन होगी, पेंट्री होगी, बॉयलर हो गए जहाँ टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा रहता है, डीजी एरिया हो गए, डीजी में वहां स्मोक का खतरा रहता है डीजी चलने से, तो इसलिए इसमें हीट डिटेक्टर लगाए जाते हैं। कहाँ नहीं लगाने हैं हीट डिटेक्टर? अनलाइकली टू रेस्पॉन्ड टू स्मोल्डरिंग एंड स्लो बर्निंग फायर, अनसुटेबल फॉर हाई वैल्यू एरिया वेयर ए स्मॉल फायर कैन कोज मेजर डैमेज, एरिया इन विच प्रेजेंस ऑफ स्मोक कैन कोज ए पोटेंशियल थ्रेट टू द ऑक्यूपेंट। ये भी मैन दिया हुआ है, इसके अंदर भी दिया हुआ है कि जहाँ स्मोक के कारण कैजुअलिटी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं वहां पे आपको स्मोक डिटेक्टर ही लगाना है, क्योंकि हीट डिटेक्टर एक्टिवेट होने में टाइम लगता है। हीट डिटेक्टर टाइम रेस्पॉन्स टाइम थोड़ा लेट रहता है क्योंकि वो उस टेम्परेचर तक पहुंचने में उसको टाइम लगेगा। अगर स्मॉल स्लो बर्निंग फायर है तो उसमें हीट कम निकलती है, हीट कम निकलेगी तो छत तक कम पहुंचेगी, रूफ तक, जाते जाते कुछ ठंडी भी हो जाती है, कुछ कम भी हो जाती है, इसलिए वो उसको रेस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है। तो ऐसे एरिया जहाँ ऑक्यूपेंट ज्यादा रहते हैं तो वहां स्मोक डिटेक्टर अलाउ करते हैं, हीट को प्रिफरेंस नहीं देते हैं। वहां जहां नॉर्मली हीट रहती है और स्मोक रहता है वहां पे इसको आप यूज कर सकते हैं। रेट ऑफ राइज का एरिया सब्जेक्ट टू स्मोक स्टीम डस्ट ड्यूरिंग नॉर्मल यूज, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एरिया सब्जेक्ट टू रैपिड चेंज ऑफ टेम्परेचर ओवर 43 डिग्री सेंटीग्रेड है, डीसी नहीं है, जहां पे वहां से रैपिड चेंज होता है वहां पे इसको नहीं लगाते हैं। फिक्स टेम्परेचर एरिया सब्जेक्ट टू स्मोक स्टीम डस्ट डर्ट रैपिड चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग नॉर्मल, जहां पे टेम्परेचर चेंज होता है नॉर्मल रूटीन में वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। मल्टी सेंसर, नेक्स्ट स्लाइड लीजिए, मल्टी सेंसर फायर डिटेक्टर्स कंबाइन दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू टाइप ऑफ डिटेक्टर, ईच ऑफ विच रेस्पॉन्स टू डिफिकल्ट फिजिकल एंड और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फायर। दी पर्पज ऑफ कंबाइनिंग सेंसर इज इन दिस वे टू एनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम टू डिटेक्ट इन डिटेक्शन ऑफ फायर और इट्स रेजिस्टेंस टू एट लीस्ट
सर्टेन कैटेगरी ऑफ द फॉल्स अलार्म और बोथ। जो कंबाइंड वाल लगाया जाता है वो दो, कम से कम दो तरह से यूज, दो तरह के डिटेक्टर्स के अंदर यूज किए जाते हैं। अच्छा रेस्पॉन्स रहता है, चाहे वो फिजिकल चेंज वाले हो, दो मल्टीपल डिटेक्टर हो, या केमिकल चेंज वाले हो टायर के। फिजिकल में आपका हीट, और हीट चेंज होता है, केमिकल के अंदर आपका स्मोक और वो आता है। दी पर्पज ऑफ कंबाइनिंग, पर्पज ऑफ कंबाइनिंग कॉम्बिनिंग सेंसर इन दिस वे टू एनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसका पर्पज मेन वो है। रिलायबिलिटी अच्छी है, फॉल्स अलार्म कम देता है, तो इसलिए ये लगाया जाता है। देयर इज सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर रिडक्शन ऑफ मैनी टाइप ऑफ फॉल्स अलार्म। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू डिसेबल एन इंडिविजुअल सेंसर डिपेंडिंग ऑन दी सर्कमस्टेंसेस एट द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन। अब आता है फ्लेम डिटेक्टर्स। फ्लेम डिटेक्टर जो है इसका थ्योरेटिकली रही तो 90 मीटर का एरिया कवर कर लेता है, पर प्रैक्टिकली दीवारों का देख के, उसके एरिया को देख के डिपेंड करके लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाना चाहिए, कहाँ इसकी मेरिट से, हाई सीलिंग है, ओपन स्पेस बिल्डिंग है, वेयर हाउस हो गया, एयरक्राफ्ट हैंगर हो गया, आउटडोर सेमी आउटडोर एरिया हो गया, एरिया वेयर रैपिडली डेवलपिंग फ्लेम्स ऑक्योर्स, पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरी गैस, यहाँ इमीडिएट फ्लेम निकलती है वहां पे ये निकाला जाता है। ज्यादातर फायर में पहले स्मोक निकलेगी, फिर हीट निकलेगा, फिर जाके तुम्हारा फ्लेम आती है। जहां इमीडिएट फ्लेम आएगी वहां पे फ्लेम डिटेक्टर लगाया जाता है। जैसे इमीडिएट फ्लेम आएगी उसके अंदर आईआर भी निकलेगा, इंफ्रारेड रेडिएशन भी आएगा, और तुम्हारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी। अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशन को ये डिटेक्ट करते हैं, इसलिए वो यहाँ पे सुटेबल है जहां इमीडिएट फ्लेम आएगी। नॉट सेंसिटिव टू स्मोल्डरिंग स्लो बर्निंग फायर्स और हैंस कैन नॉट बी कॉल्ड जनरल पर्पज डिटेक्टर्स। नॉट सुटेबल फॉर द टाइप ऑफ फायर वेयर फ्लेमिंग कैन ऑक्यूर ओनली आफ्टर सब्सिक्वेंट रिलीज ऑफ स्मोक। जहाँ स्मोक देर में, स्मोक निकलते निकलते बाद में फ्लेम आती है, वहां पे सुटेबल नहीं है। इंफ्रारेड फ्लेम डिटेक्टर सेम एज अबो, जो ऊपर वाला दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग ही है। दी डिटेक्टर पेनिट्रेट थ्रू स्मोक वॉल। हाई स्पीड, मॉडरेट सेंसिटिविटी, सुटेबल फॉर इंडोर आउटडोर एप्लीकेशंस। यहाँ इसकी सुटेबिलिटी है। अनसुटेबिलिटी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर रेंज इन दी विसिनिटी, सब्जेक्ट टू फॉल्स अलार्म कोल्ड बाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन लाइक हीटर्स, इनकंडेंस लैंप, हेलोजन लैंप, फ्लैकरिंग सनलाइट वीटीसी। अगर वो कोई ऐसी चीज है यहाँ से इंफ्रारेड रेडिएशन दूसरी जगह से भी आ सकता है, तो वहां फॉल्स अलार्म देने का चांसेस रहता है, तो वहां पे ये अनसुटेबल माने जाते हैं। यूवी हाईएस्ट स्पीड है, हाईएस्ट सेंसिटिविटी है, सुटेबल फॉर इंडोर एप्लीकेशन है, इंडोर एप्लीकेशन के लिए अच्छा है, बेस्ट है। नॉट सेंसिटिव फॉर हाई सीलिंग, जहां ज्यादा ऊंची सीलिंग है वहां नॉट सेंसिटिव है। एज द रेडिएशन फ्रॉम द फायर इज अटेंडेड बाय स्मोक, रैंडम यूवी रेडिएशन फ्रॉम सोर्सेस सच एज लाइटिंग, आर्क वेल्डिंग कैन कोज फॉल्स अलार्म एंड हैंस यूज इन सच एरिया टू बी अवॉइडेड ब्लाइंडली बाय थिक स्मोक कैन एंड ऑयल वेपर्स कैन ऑप्टिक। जहां ज्यादा डेंस स्मोक आता है वहां इसको इंफ्रारेड यूवी रेडिएशन को रोक लेता है कई बार, यू अल्ट्रावायलेट को। और जहां तुम्हारे वेल्डिंग वगैरह या इस टाइप के कुछ काम होते रहते हैं वहां से फॉल्स अलार्म होने के चांसेस रहते हैं, तो वहां पे नहीं लगाया जाता। हाईली स्पीड है, हाईएस्ट स्पीड है इसकी, पर है फ्लेम जोन के लिए। इन दोनों का आता है IVUR, फ्लेम डिटेक्टर जो कंबाइंड में है। आईवी FIR फ्लेम डिटेक्टर्स, यूवी FIR फ्लेम डिटेक्टर्स और IR फ्लेम डिटेक्टर्स, ये सारे तीनों सेम वही है। या फ्लेम जोन निकलेगा कोई हाइड्रोकार्बन के लिए है, किसकी सेंसिटिविटी लो है, किसी की हाई है, पर वेल मेनली फ्लेम फायर के लिए हैं सारे सारे। अब नीचे आते हैं स्पार्क डिटेक्टर का। स्पार्क डिटेक्टर आर सुटेबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्पार्क फ्रॉम टाइप ऑफ डैश डक्ट और कन्वेयर माउंटिंग द फ्यूल इटीसी एज इट पासिस बाय। यूजुअली इट इज नेसेसरी टू एनक्लोज द
पोर्शन ऑफ द कन्वेयर वेयर दी डिटेक्टर्स आर लोकेटेड है। स्पार्क डिटेक्टर कहाँ लगाया जाता है? जहां स्पार्क के डिटेक्शन के चांसेस रहते हैं, स्पार्क निकलेगा, जहां स्पार्क डिटेक्शन के लिए लगाया जाता है। कहाँ पे? कन्वेयर पे, फ्यूल, कहीं फ्यूल हमने स्टोरेज किया है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए, या कहीं कन्वेयर कहीं इधर उधर जा रही है तो वहां पे इसके लिए यूज किया जाता है। मेनली जो सुटेबल है, जहां डार्क एनवायरनमेंट ज्यादा रहता है, वहां हल्का स्पार्क देखती है एक्टिव हो जाता है, तो वहां पे लिए सुटेबल है। और कहां नॉट सुटेबल है? एक्सट्रेनियस सोर्सेस ऑफ रेडिएशन एमिशन दैट हैव आइडेंटिफाई इंटरफेरिंग विद द सुटेबल ऑफ फायर स्पार्क डिटेक्टर इंक्लूड एम्बिएंट लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आईआर इंटरफेरेंस। और ये मान लीजिए यहाँ पे स्पार्क नॉर्मल में होते रहते हैं, वहां के लिए अनसुटेबल है। एम्बर डिटेक्टर्स सेम एज अबो, जो ऊपर वाले हैं, एक्सेप्ट एम्बर डिटेक्टर्स कैन ऑल्सो डिटेक्ट फायर इन लिट एनवायरमेंट लाइक कोल कन्वेयर। कोल कन्वेयर में भी यूज किया जा सकता है। नॉट सुटेबल कहाँ के लिए? डिटेक्टर विंडो क्लियरली शैल ऑलवेज बी इंश्योर्ड। लाइट हीट फेंसिंग केबल, केबल टनल, ट्रेज, वॉल्यूट, मेटल कन्वेयर, बुल्कल स्टोरेज, मल्टी रैक एरिया, रिम सील ऑफ फ्लोटिंग रूफ टैंक्स, स्टोरिंग हजार्डस केमिकल्स एंड ए फ्यू स्पेशल एरिया। जहां जहां ये चीजें हैं वहां पर लेनी है हीट सेंसिंग केबल। और नॉट सुटेबल एट एप्लीकेशन आला जो दिए हुए, इनके अलावा और कहीं ये इसको यूज नहीं कर सकते। इसके आगे कुछ ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिटेक्टर्स के जो आईएएस दिए हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग जैसे तुम्हारा स्मोक डिटेक्टर का दिया हुआ है 11360, ये इनिशियल 85 का है, बाद में शायद अपडेट हो गया होगा। तो ये स्मोक डिटेक्टर कैसे बनते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है, वो सारा इसके अंदर दिया हुआ है। 8757 तुम्हारा हीट डिटेक्टर का है, नहीं ये 2175 हीट डिटेक्टर का है। 8757 जो फायर की टर्मिनोलॉजी है वो वाली दी हुई है। और 12645 कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ईटीडी ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है, इंस्टॉलेशन होता है उनका है ये। फर्दर इसको किसको देखना हो तो उसके अंदर भी ये मिल सकते हैं। किसी के कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जी सर, बहुत ही अच्छा रहा सर आज का सेशन, एकदम जो सरप्राइज मैंने बोला था एकदम सेम सर सरप्राइज इससे आपने। पहले वाला स्लाइड एक बार ओपन करें। पहले वाला यस 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 सर। थैंक यू सब लोगों को जुड़ने के लिए। और अभी किन्हीं का कुछ क्वेश्चन है आज का जो सेशन है उससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। एक बार सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए तो एक फोटो ले लूं सब लोगों के, ताकि ग्रुप में शेयर करने के लिए अच्छा रहेगा। कैंडिडेट सर कम है, 11-17 दिखते हैं शायद। नहीं, पहले वाले सेशन में सर 29 थे, बाद में शायद कुछ लोगों को लगा होगा कि दोबारा नहीं जुड़ सकते, इसके लिए वो नहीं जुड़े होंगे। भावेश जी इतना अंधेरे में रहेंगे तो आपका फोटो बराबर नहीं आएगा। विपुल बाघेला जी आप भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। अभी हाँ अभी एकदम चमक रहा है चेहरा। बाल बाल कटवा लिया आज। वो तो पार्ट ऑफ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अपना डेली रूटीन है। अभी कल से सबको ऑफिस भी जाना है, मेरा तो ऑफिस आज से ही शुरू होता है, यहाँ संडे टू थर्सडे ही रहता है।
भूपेंद्र जी आप भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में बोलेंगे सर मेरा फोटो आया नहीं। रतन पाल, आरएस कुशवाहा, रुकेश, विनोद अजीत कुमार सूर्यवंशी जी, बैठो बारी सोया हुआ था, लेटर लेटर क्लास ले रहा। जी साहब ले लिया है। अभी और किन्हीं को कुछ पूछना है आज के सेशन के बारे में तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग सेशन खत्म करेंगे। चैनल एडिट कर दीजिए, फिर क्लोज कर सकते हैं। ओके थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू। आप लोग एक एक करके निकल जाइए तो फिर मैं ये रिकॉर्डिंग में सेव कर लूंगा।